हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लौकी के रायते बनाने की रेसिपी। इसे बनाना काफ़ी आसान है और वैसे तो कई प्रकार से लौकी का रायता बनाया जाता है, लेकिन आज मैं आपको लौकी का उबाल कर कैसे रायता बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने लौकी को पीसेस में कट कर लिया है। अब देखिए, रायते के लिए कम क्वान्टिटी में लौकी की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने बहुत ही कम क्वान्टिटी में लौकी को पीसेस में कट किया है। अब हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर मैंने छोटी साइज़ का कुकर लिया है और हम इसमें डालकर इस लौकी को अच्छे से उबाल लेंगे। उबालने के लिए इसमें बहुत ही कम पानी डालेंगे, लगभग एक छोटी कटोरी इसमें हमें पानी डालना है, क्योंकि वैसे ही लौकी में मॉइस्चर रहता है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर एक सीटी आने तक इनको उबाल लेंगे। हम यहाँ पर लौकी को मीडियम फ्लेम पर उबाल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे कि सिर्फ एक सीटी आने तक ही लौकी को उबालेंगे, इससे ज़्यादा सीटी नहीं लेंगे, नहीं तो लौकी एकदम फट जाएगी। और इसके साथ ही हम लेंगे दो हरी मिर्च और साथ में लेंगे डेढ़ छोटा चम्मच राई। इसे हमें अच्छे से पीस लेना है और उसका पेस्ट तैयार कर लेना है। देखिए, यहाँ पर एक सीटी आ गई है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। जैसे ही कुकर ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक कपड़ा लिया है चलने के ऊपर। अब देखिए, उबली हुई लौकी को इसमें डाल देंगे। ध्यान रखेंगे कि लौकी को थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही इसको कपड़े में लेंगे, जिससे कि इसका पानी निकालना आसान हो जाए। आप चाहें तो हाथ से ना दबाकर इसकी पोटली बनाइए और किसी चीज़ से इसको दबाकर भी इसका पानी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर ठंडी हो गई है, इसलिए मैंने हाथ से ही इसका पानी इस तरह से निकाल दिया है। अच्छे से इसका पानी निकालेंगे। इसके साथ ही प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और रेसिपी पसंद आती है तो आगे भी मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहें। इस तरह से हमें लौकी के पानी को निकाल देना है और अब हम इस पल्प को अलग निकाल कर रख लेंगे। लौकी का रायता बनाना काफ़ी आसान होता है और काफ़ी कम टाइम में ही ये तैयार हो जाता है। इस तरह से देखिए, अब हम लौकी के रायते के लिए लेंगे दही। तो दही जो हम लेने वाले हैं वो उसमें खटास नहीं होनी चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में खटास होनी चाहिए। इसके लिए जब भी आप दही को तैयार करके रखते हैं तो जैसे ही दही जमकर तैयार हो जाए 4 से 5 घंटे में, उसके बाद इसको फ्रिज में रख दीजिए। इससे इसकी खटास नहीं बढ़ती है और हल्की सी खटास ही दही में रहती है। अब हम यहाँ पर ले लेंगे 1 कप दही और साथ ही इसमें डालेंगे उबली हुई लौकी, और साथ में हमने जो राई और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया था वो भी इसी में डाल देते हैं। जब हम कच्ची राई को पीस कर इस रायते में डालते हैं तो इसमें हल्का सा कसैलापन आता है और रायते का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। अब देखिए, चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से इसको अच्छे से फेंट देंगे इस तरह से। देखिए, इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले, क्योंकि हमने मिर्च यहाँ पर ऑलरेडी डाल दी है, इसलिए यहाँ पर हम लाल मिर्च नहीं डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और साथ ही में डालेंगे स्वादानुसार नमक। इस साथ इसमें डालेंगे थोड़ी सी शक्कर, शक्कर का टेस्ट भी रायते में बहुत ही बढ़िया आता है। तो चलिए, अच्छे से मिक्स कर देते हैं जिससे कि शक्कर घुल जाए और नमक भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब बस हमें इसमें तड़का लगाना है, तड़के की तैयारी करते हैं। तड़का लगाने के लिए तड़का पैन लेंगे, उसे गैस पर गर्म होने के लिए रख देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे तेल। तड़का पैन को गर्म होने के लिए गैस पर रखेंगे और जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाता है गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच मेथी और 2 से 3 चुटकी हींग। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च में तीखापन कम होता है, ये रायते को तीखा भी नहीं करेगा बहुत ज़्यादा और बढ़िया सा कलर देगा। तो चलिए, अब हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। इसके साथ ही हम इसको तुरंत ही दही में डाल देंगे। तड़के को अच्छे से मिक्स करेंगे और लौकी का रायता तैयार है सर्व करने के लिए। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि बहुत ही कम मसालों के साथ व्यंजन को अच्छा टेस्ट दे सकूं। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आगे भी मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिए। रेसिपी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।